सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कोरोना वायरस के हवाले से वो कौन सी अलामत हैं कि जो हमारे अंदर अगर पाई जाएंगी तो हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि अब हमें कुछ करना है आगे। अच्छा नहीं, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया और बड़ा ये अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन फैले। देखें, मैं शुरू इधर से करता हूँ कि एक लोगों को एक कहते हैं ना फ्लू हो गया जी, और एक इंग्लिश का एक वर्ड है, लोग कहते हैं कोल्ड हो गया जी। तो एक कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया और कोरोना, ये तीन अगर हम इनको तीन में डिवाइड कर दें तो कोल्ड जो होता है ये तीनों वायरसेस से होते हैं पहले तो जी। तो कोल्ड का जो बहुत सारे वायरसेस हैं जिस उसमें सिर्फ नज़ला और ज़ुकाम होता है अमूमन, थोड़ा सा बॉडी एक होता है, फीवर नहीं होता अमूमन, हल्का होता है और जल्दी ठीक हो जाता है। और ये एक वायरस जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, उसका नाम है राइनो वायरस, उसकी वजह से होता है। उसके बाद उससे थोड़ी सी एक लेवल ऊपर आ जाएँ फ्लू, सही, फ्लू में बुखार भी आ जाता है, यानी नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार होने लग जाता है और ये दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। और ये इसका जो जरासीम है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, वो भी वायरस है, ठीक है, और इसका वैक्सीन अवेलेबल है और ये सालाना लोगों को लगता है। पहली बात तो ये है कि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा फ़िलहाल कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक इस तरह से रहा है कि इससे सिर्फ 30 लाख से ज़्यादा लोगों को अमेरिका में ये सालाना होता है और दुनिया में 20,000 अमवात होनी होती हैं मिनिमम, जबकि इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है, इतना हमने उसको फिर भी अटेंशन नहीं देते। सही। उसके बाद अब कोरोना आ गया। कोरोना में ये डेट से कि अगर हम उसको कहें उससे फ्लू से ज़्यादा एक लेवल ऊपर है, तो इसमें ये होता है कि जो है वो सांस थोड़ी घुटन घुटन से आती है। बिल्कुल। सिर्फ ये फ़र्क जो है ना, ये थोड़ा सा अलामती है कि अगर सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और ड्राई कफ होती है इसमें, खांसी जिसमें बलगम नहीं होता। सही। तो अगर खांसी तो वैसे भी रहती है लोगों को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी भी है और मिट्टी और धुआँ और गंदगी तो है ही हमारे यहाँ, तो ये चीज़ें एलर्जी की वजह से भी होती हैं। लेकिन अगर साथ में सांस लेने से घुटन हो रही है और पेशेंट एस्मा का नहीं है, तो वो उसके लिए भी नंबर वन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाके फिर इसको फॉलोअप कराए, ठीक है ना। अगर नज़ला ज़ुकाम है, सांस सही से ले रहे हैं, बुखार नहीं है, तो अमूमन 99% चांसेस हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। इस वक्त वैसे भी स्टैटिस्टिक्स ऐसी हैं कि चाइना जहाँ से कहते हैं कि ये ओरिजिनेट किया, ज़रूरी नहीं है मतलब कहते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन 98% लोग तो ठीक हो गए ना, तो मतलब ज़्यादातर लोग इसमें जो है मेजर पॉपुलेशन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो तो खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली अलामत में सांस जब थोड़ा सा रुक के आ रही होती, लग रहा डूब रहे हैं, सांस पूरी नहीं ली जा रही है, वो ये सबसे बड़ी अलामत है। अच्छा, अब इस अलामत के साथ जो है इसमें ससेप्टेबल लोग कौन होते हैं ज़्यादा, इसमें देखें ना, जिसमें ज़ाहिर है पहले से कोई बीमारी चल रही है जी, जैसे पेशेंट जो इनके अंदर एलर्जी या एज़मा है पहले से, उनको ज़ाहिर है इसके सीरियस इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके। बूढ़े लोग जो हैं उनकी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है वो इसमें, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ख़ास तौर पर देखा गया है, बल्कि जितनी भी इस वक्त अमवात हुई हैं इटली में या चाइना में या दूसरे ममालिक में, तो वो देखा गया है कि एल्डरली पॉपुलेशन है 65-70 से ऊपर की, और उनके साथ ये को मॉर्बिड यानी और बीमारियाँ वो जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर रही हैं उनके साथ। यंगर पॉपुलेशन में जो है ना वो ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत हार्डली किसी का कोई ऐसी केस आया होगा जिसमें बच्चा या यंगर मैन जो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग हो वो मतलब अफेक्ट हुआ उसको।